हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 के बारे में। अगर आप आईफोन 14 परचेज़ करने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आईफोन 14 ऑनलाइन सस्ता मिलता है कि स्टोर पर सस्ता मिलता है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं कि कहां से आपको ये फ़ोन सस्ता पड़ सकता है और आपको अगर इसको ईएमआई पे परचेज़ करना है तो ईएमआई पे परचेज़ करने के लिए आपको कौन सी जगह से लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन प्राइस चेक कर रहा था, तो तकरीबन मैंने फ्लिपकार्ट देखा, अमेजन देखा, जियो मार्ट देखा, तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज प्राइस मेरे को जो ऑनलाइन मिला वो 60,000 रुपीज़ मिला। तो अगर आप इसको स्टोर से परचेस करते हैं, आपके घर के पास कोई एप्पल का स्टोर होगा या फिर कोई मल्टी ब्रांड आउटलेट होगा, तो वहाँ पर आपको ये अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 64,900 का मिल सकता है। तो आप सोचोगे ये तो महंगा है भाई, ऑनलाइन से मेरे को ऑनलाइन ले लेना चाहिए, तो नहीं, आपको सस्ता पड़ सकता है अगर आप इसको लेना चाहते हैं ऑन ईएमआई पे। आपको स्टोर्स पर अच्छी ऑफर मिल रही है, इसके ऊपर आप 24 मंथ्स तक की नो कॉस्ट ईएमआई ले सकते हैं, आपको कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। मान लो अगर आपको इसको लेना है ईएमआई पे तो आप ऑनलाइन नहीं परचेज कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन आप ईएमआई कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही है, आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑफलाइन जाइए स्टोर्स के ऊपर, वहाँ पर आप ले सकते हैं इसको आधार कार्ड पैन कार्ड से। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर लेके जाना होगा जो कि आपके बैंक के साथ कनेक्टेड है। और मैंने स्टोर्स पर जाकर पता भी किया है, वहाँ पर मेरे को ये मिल रहा था 2704 की मंथली ईएमआई पे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनता है 64,900। और मैं इसको ऑनलाइन परचेस करने सोच रहा था कि ऑन ईएमआई परचेस करते हैं तो ये जो है मेरे को ज़्यादा कॉस्टली ऑनलाइन मिल रहा है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे मंथली ईएमआई बन रही है 2943 की फॉर 24 मंथ्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये बनता है 70632, मतलब कि ऑनलाइन महंगा है जबकि स्टोर्स पर ये सस्ता पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है, अगर आपको ईएमआई पे लेना है तो आप स्टोर से परचेज कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ऑफर्स मिल रही हैं। आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड पे भी ऑफर है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पे भी ऑफर है, तो आपको वहाँ से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं इसको कैश में, पूरा का पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं ऑनलाइन। रिसेंटली एप्पल ने इसके प्राइजेस डाउन किए हैं 5,000 से, पहले ये 70,000 का होता था, अब ये 64,900 का मिलता है, ऑनलाइन आपको ये 60,000 का तकरीबन मिल जाता है। पर ऑनलाइन आपको 24 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगी सिर्फ और सिर्फ स्टोर्स पर। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप इस वीडियो ने आपका हेल्प किया होगा। अगर आप इसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो आपका ये माइंड क्लियर हो गया होगा कि भाई कहां से लेना बेटर है। अगर आप इसको कैश लेना चाहते हैं तो आपको भी समझ आ गया होगा कि कहां से आपको सस्ता मिल सकता है। वैसे मैंने स्टोर से भी पता किया, स्टोर पर अगर आप कैश पे भी लेना चाहते हैं तो कई स्टोर अभी भी 57-58 का ऑफर कर रहे हैं, शायद वो ऑनलाइन वाला ही स्टॉक है जो पहले सेल लगी थी। अभी जो बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट ने सेल लगाई थी, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो है पहले 55 आया था, फिर प्राइस जो है वो 50,000 के करीब भी चला गया था। तो आई होप वही वाला स्टॉक जो है आपको अभी भी स्टोर्स पर अभी कैश में मिलता है, पर अगर आपको ईएमआई पे लेना है तो आप प्रेफर कीजिए स्टोर्स पर जाके ही ईएमआई पे लीजिए, और आप उस पर जीएसटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपकी फर्म है तो फर्म के नाम पे आप बिल ले सकते हैं, जिससे आप 18% का जो जीएसटी आपने पे किया है गवर्नमेंट को वो आप वापस भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय बाय।